हेलो बच्चों, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। अब देखिए अगले वीडियो में था, उसके आगे का हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए क्या है भाषा, लैंग्वेज, विचारों और भावों के आदान प्रदान करने का माध्यम क्या है, भाषा है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के शब्दों में देखिए इन्होंने क्या कहा है भाषा को, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा की जो है आपकी परिभाषा हुई। अब आगे चलिए देखिए भाषा के प्रकार, किंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा की अभिव्यक्ति के लिए दो रूपों को मुख्य रूप से अपनाया जाता है। भाषा की अभिव्यक्ति मतलब समझाने के लिए दो रूपों को जो है अपनाया जाता है, कौन सा, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। इसी आधार पर भाषा को दो रूपों में बांटा गया है। पहला है मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, दूसरा लिखित भाषा, राइटिंग लैंग्वेज। अब देखिए पहला है यहाँ पे मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है, यह मुख द्वारा बोली जाती है। सृष्टि के आरंभ में मानव मौखिक भाषा द्वारा अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करता है। यही रूप मनुष्य के जीवन और समाज के विकास के लिए पहले आता है। व्यक्ति आरंभ में दूसरों के सम्मुख अपने विचारों या भावों को व्यक्त करता था, वह मौखिक भाषा थी। मौखिक भाषा को किसी पाठशाला या नियत स्थान पर नहीं सीखा जाता, समाज में रहते रहते वह धीरे धीरे स्वतः आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा ही भाषा का पहला रूप है, ये कहीं सीखा नहीं जाता, ये व्यक्ति स्वयं सीखता है समाज में ही। देखिए जैसे बच्चा पैदा होता है वो घर में ही तो सीखता है, उसी तरह वो समाज में ही मौखिक भाषा स्वयं सीखी जाती है। अगला आपका है लिखित भाषा, राइटिंग लैंग्वेज। लिखित भाषा है भाषा के विकास में भाषा को मौखिक रूप के उपरांत लिखित भाषा का विकास, लिखित भाषा का विकास विचारों या भावों को अस्थायित्व देने के लिए किया गया। कालांतर में दूर स्थित व्यक्ति तक अपने विचारों या भावों को व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ने पर तथा अपने वंशजों को अपने अनुभवों को अस्थायित्व देकर व्यक्त करने के लिए लिखित भाषा का विकास हुआ। भाषा के लिखित रूप द्वारा ही विचारों या भावों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अब देखिए लिखित भाषा क्या है कि आप जो हमारे अपने विचार थे फिर उन्हें हम संजो कर कि हम इसको आगे अपने हमारे बाद हमारे जो पीढ़ी है वो कैसे जाने उसको लिखित रूप में। इसमें हमारे ग्रंथ भी शामिल हैं, ऐसे बहुत सारे पढ़ाई के जो आपकी बुकें हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो शामिल हैं वो आपकी लिखित भाषा में आती हैं। आगे देखिए फिर क्या है भाषा और बोली, भाषा और बोली, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। सामान्यतः लोग बोली और भाषा को एक ही समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में बोली केवल बोलचाल के काम आती है, इसका लिखित रूप नहीं होता। बोली भाषा की आरंभिक अवस्था है, सीमित क्षेत्र में बोली बोली जाती है। भाषा संपूर्ण राष्ट्र या प्रदेश की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। यह विस्तृत क्षेत्र के विचार विनिमय करने का साधन है। हरियाणवी, भोजपुरी, मारवाड़ी, राजस्थानी, ये सभी बोलियां हैं। अब देखिए यहाँ बोली के बारे में बता रहा है कि भाषा में बोली आता है, तो बोली जो है ये उसका छोटा रूप है। ये जो है सिर्फ बोलने के काम में, आपस में बोलने के काम में आता है, बोलचाल की भाषा में। लेकिन इसका लिखित रूप, इससे हम लिखेंगे तो उसे हम नहीं लिखते हैं। बोली की परिभाषा, अब हमारा जो है अगला रहेगा बोली की परिभाषा। ये वीडियो यहीं पे हमारा जो है पूरा हुआ, अब अगले उसमें हम आपको देंगे। धन्यवाद।